अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नुई काफी चिंतित है। भारतीय मूल की इंदिरा नुई ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उनकी बेटियां काफी परेशान हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समलैंगिक कार्यकर्ता, कर्मचारी और अश्वेत लोग गहरी चिंता में हैं। इंदिरा नुई ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से इन लोगों को काफी असुरक्षा महसूस हो रही है। आपको बता दें कि नुई हिलेरी क्लिंटन की समर्थक रही हैं। वहीं नुई ने ट्रंप की जीत के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि क्या आपके पास टिश्यू बॉक्स है। इस बात से साफ जाहिर था कि ट्रंप की जीत से वो काफी दुखी थी। नुई ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे ट्रंप की जीत के बाद अपनी बेटी और कर्मचारियों के तमाम सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। हमारे कर्मचारी रो रहे हैं, खासतौर पर अश्वेत लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम सुरक्षित हैं। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को हुए एक हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन ट्रंप की जीत के बाद से अमेरिका के कई हिस्सों में असंतोष का माहौल बना हुआ है। लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अप्रवासन, समलैंगिकों के अधिकार जैसे मुद्दों पर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का फैसला आ चुका है, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने का विरोध कर रहे हैं और उनके चुनाव में किए गए वादों का उन पर डर बना हुआ है। देखते रहिए डीबी लाइव।